यह क्वेश्चन क्लास 8 का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी बुक का और एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर का है। क्वेश्चन कहता है सिंपलीफाई करने के लिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सिंपलीफाई करना है। इक्वल टू क्या हो गया 25 इंटू, अभी इसका पावर माइनस में है तो नीचे में क्या चला जाएगा टी टू द पावर 4, माइनस से प्लस में आएगा तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये जो है जैसे कि माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 10 का 10 ही रहेगा। ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स 5 इंटू ये हो जाएगा 2, इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 5 के पावर क्यूब इंटू टी टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 625 डिवाइडेड बाई 2 टी टू द पावर 8 माइनस 4 टी टू द पावर 4। इसको किस फॉर्मूला के तहत किया हमने इसको, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन होगा तो क्या होगा ए टू द पावर एम माइनस एन। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने टी टू द पावर 8 माइनस 4 लिया तो ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो माइनस पावर है तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में माइनस पावर है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो गया 5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5 इक्वल टू क्या हो गया, अब इसको जैसे कि ब्रेक करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 7 इंटू 6 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 5 2 इंटू 3 6 टोटल हो गया ये इंटू 125 को क्या ले सकते हैं 5 के पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 के पावर 5 इंटू 2 इंटू 5 के पावर 5 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो गया 5 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 5 ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पे पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 2 के पावर 5 ये कट गया ए से ये कट गया ये हो गया 5 के पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 5 इक्वल टू हो गया 5 के पावर 10 माइनस 5 इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इक्वल टू 5 के पावर 5 ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस दोनों क्वेश्चंस को।